बोलने की क्षमता सर खत्म हो गई। अच्छा बोलने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये स्थिति लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरने पर बैठे ओबीसी की चयनित शिक्षकों की है। आंखों से नींद गायब है तो 42 डिग्री टेम्परेचर में बिना खाए पिए शरीर साथ छोड़ रहा है। नसरुल्लागंज के उम्मीदवार धर्म सिंह को तो अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ गया। काफी संघर्ष और अपने बच्चों और परिवारों के हिस्से का वक्त चुरा कर सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बनाया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो सरकार मुंह चुराने लगी। यहाँ हर किसी की अपनी दुख भरी दास्तां है। घर में परिवार में सभी लोग बोल रहे थे कि शादी कर लो, तो मैंने मम्मी को यही कहा कि जब तक के मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक के मैं शादी नहीं करूँगी, इसी वजह से मैंने शादी नहीं किया है। तो घर के लोगों को यही लगता है कि बस ज्वाइनिंग होने वाली होगी, इसलिए तो हर टाइम जाती है भोपाल। बच्चे तो इतने परेशान हो गए हैं सर, क्योंकि जब भी यहाँ भोपाल आने का बोलो तो कहते हैं मम्मी ये कोई मतलब नहीं है, आपको सब गुमराह कर रहे हैं, आप इस फील्ड में गए क्यों? अभी तो होना चाहिए सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। कई चयनित शिक्षक तो अब हताश होकर सरकार को कोसने लगे हैं। सरकार ने वेरिफिकेशन करा लिया है, मतलब पास में थाली लगाकर उस थाली को खिसका लिया गया है। ये जो कोर्ट कोर्ट का चक्कर सरकार खेल रही है, इससे कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनका वेरिफिकेशन हो चुका है और इनको सीधा नियुक्ति सरकार दे सकती है। संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2018 में विज्ञापन निकला, फरवरी 2019 में परीक्षा हुई। कोरोना के दो साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण पर रोक का तर्क दिया जा रहा है। ऐसे में उन तमाम शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो कभी सरकारी नौकरी के सपने देखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। क्योंकि सच करीब से दिखता है।